फर्स्ट 72 ओवर में आप अगर पूरा फिगर देखोगे, एनालिसिस करोगे, फॉर 72 ओवर में इट वाज कंट्रोल। बाद में क्या होता था, उसी चीजों को वो उछालते रहते थे। जैसे मैंने एक दिन दो चीजों में, मैं ये एनडीटीवी समय नहीं था, कोई और नाम था उस टीवी का, राजदीप और बरखा वगैरह सब साथ में काम करते थे, एनडीटीवी ही था ना, पता नहीं कुछ तो भी था उनका, एनडीटीवी स्टार न्यूज नहीं बना था वो, तब सब स्टार माना जाता था एनडीटीवी, कुछ तो भी था, नाम दूसरा था। सूरत में बरखा एक बाजार में खड़ी थी, सूरत में कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ था, थोड़ा सा दुकानें जली हैं जैसे टिम्बर मार्केट, एक छोटा मोटा घटना घटा। तो वो एक बाजार बंद था, वहाँ से वो खड़ी रही है, ये हीरों का बाजार है, ये है, यहाँ एक भी पुलिस वाला नहीं है, वगैरह वगैरह। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ये हुड़दंगबाजों को तुम एड्रेस दे रहे हो क्या, यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है, आप लोगों को इन्वाइट कर रहे हो क्या? और मैंने, मुझे याद है उस दिन मैंने उनके टीवी चैनल पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि भाई अगर आप उसको भड़काते हो। दूसरी घटना क्या घटी, अंजार के अंदर उन्होंने न्यूज़ हाईलाइट किया कि हनुमान जी का मंदिर तोड़ा। मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मालूम है कच्छ में है, हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, अभी हम भूकंप से बाहर आए हैं और वहाँ पर एक मंदिर टूटना, ये तुम खबर फैलाओगे क्या होगा, और तुमने इंक्वायरी की है क्या, क्यों आग लगा रहे हो? मैंने कहा तुम्हारी न्यूज़ तो 30 सेकंड के अंदर ऊपर आ जाती है, पुलिस मेरी यहाँ से वहाँ मूव करना है तो मुझे 6 घंटे लगते हैं भाई, क्यों आग लगा रहे हो? मैं उसको फ़ोन किया है बरखा को, राजदीप होगा शायद, जो भी हो, उस समय ये दो तीन लोग काम करते थे, मैं बहुत उनसे, तो मैंने कहा मुझे अब तो वो तुम पर रोक लगाना पड़ेगा, तुम यही करते हो तो। मैंने इंक्वायरी की, फिर मैंने पुलिस से पूछा, क्योंकि मैंने वही उसी पर देखा कि हनुमान जी का मंदिर तोड़ा है। मैंने कहा भाई देखिए नियम, मैं बताता हूँ ना, मैंने कहा नियम है कि मंदिर मस्जिद ये जाए वो बोलना नहीं चाहिए हम लोग, ये प्रोटोकॉल तो उपयोग करो। मैंने कहा आप लोग ये नॉर्म एस्टैब्लिश है, हम क्यों ऐसा जाति का उल्लेख करते हैं, मंदिर मस्जिद क्यों कहते हैं? वो उस प्रकार से मैंने उनको समझाया, मैंने इंक्वायरी की, ये छोटा किसी पेड़ के नीचे नहीं छोटा सा खड़ा करते हैं, उस पर किसी ने जा करके एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने कहीं तो भी उसको किया था, नुकसान पहुंचाया, मामूली सा, जिसको इतनी बड़ी आग लगी हो तब ऐसे चीज उछालने से क्या होता है। मैं उनको समझा रहा था सबको कि भाई ये अच्छा नहीं है। तो ये लगातार हमारी कोशिश यही थी कि जो रिलीफ कैंप में है उनको रिलीफ मिले।